जुलाई के महीने में शमशेरा और थॉर लव एंड थंडर जैसी बड़ी बजट वाली रिलीजेस देखी, साथ ही देखी डॉक्टर अरोड़ा और सास बहु अचार प्राइवेट लिमिटेड जैसी सेंसिबल वेब सीरीज। अगस्त के स्टॉक में क्या कुछ है आज बात इसी पर। हाय, मेरा नाम है मेघना और स्पॉटलाइट के नए एपिसोड में आज बात करेंगे अगस्त में आने वाली फिल्मों और सीरीज के बारे में। बावनवे केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का सम्मान जीतने वाली फिल्म, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं होनी चाहिए कि आवासा व्यूहम आपकी लिस्ट में हो। फिल्म इंसानों के बारे में जानने को इच्छुक है ये जानने में कि उसका प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता है। फिल्म का ट्रेलर देखकर आप नहीं जान पाते कि ये आपको किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। यही मेकर्स की मंशा भी रही होगी, आपको ऐसे सफर पर ले जाने की जिसे आप संभावनाओं के दायरे में नहीं समेट पाए। आवासा व्यूहम एक मलयालम भाषी फिल्म है जिसे सोनी लिव पर सब टाइटल्स की मदद से देख पाएंगे। पांच हत्यारे एक बुलेट ट्रेन जो जापान के टोक्यो शहर से निकली है। ये पांचों लोग इस ट्रेन में सवार हैं अपने अपने मिशन के साथ। जल्दी ही समझ आ जाता है कि इनके मिशन आपस में जुड़े हुए हैं। डेडपूल 2 और एटॉमिक ब्लॉन्ड जैसी फिल्में बना चुके डेविड लीज बुलेट ट्रेन के डायरेक्टर हैं। ब्रैड पिट, सांड्रा बुलोक और जोए किंग जैसे एक्टर्स फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं। टीवीएफ ने कोटा पर एक शो बनाया, कोटा फैक्ट्री। इस शो ने स्पॉटलाइट ली और ले जाकर घुमा दी कोटा के कोचिंग कल्चर की ओर। पढ़ने वाले बच्चों की लाइफ दिखाई, लेकिन सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं, अब उसी तर्ज पर अमेज़न प्राइम वीडियो का शो आ रहा है क्रैश कोर्स। 8 बच्चों की कहानियां जो कोटा पढ़ने जाते हैं। 2 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनमें ये बच्चे एडमिशन लेते हैं। उनकी लाइफ, उसके अंदर का कॉम्पिटिशन, शो में सबको जगह देने की कोशिश की जाएगी। क्रैश कोर्स को डायरेक्ट किया है एक्टर राइटर विजय मौर्या ने। इसे लिखा है मनीष हरिप्रसाद और रैना रॉय ने। एक डार्क कॉमेडी फिल्म, यानी ऐसी फिल्म जो सीरियस मुद्दे के इर्द गिर्द कॉमेडी की हवा बना देती है, डार्लिंग आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म है। शाहरुख भी उनके को प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में आलिया एक ऐसी औरत के किरदार में हैं जो अपने पति से बदला ले रही है। उसका साथ दे रही है उसकी माँ बनी शेफाली शाह। विजय वर्मा और एशन मैथ्यू भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर काफी फन किस्म का लग रहा है। आपको घटनाओं का आइडिया लग जाता है, फिर भी आप उन्हें घटते हुए देखना चाहते हैं। 25 जुलाई को सीतारामम का ट्रेलर रिलीज हुआ। आफरीन नाम की एक लड़की है, उसे मिलती है एक चिट्ठी, लिखा है सीता ने अपने राम के लिए। ये दोनों लोग 20 साल पहले एक दूसरे को चाहते थे। आफरीन के सामने समस्या ये है कि सीता का कहीं कोई अता पता नहीं है, कहीं कोई निशान नहीं, इसलिए सीता को ढूंढने से पहले वो राम की खोज में निकल पड़ती है। दुलकर सलमान ने राम का रोल निभाया है, सीता बनी है मृणाल ठाकुर। आफरीन का किरदार निभाया है रश्मिका मंदाना ने। 2020 में नेटफ्लिक्स पर इंडियन मैचमेकिंग रिलीज हुआ था। सीमा टपारिया मेन कैरेक्टर थी। उनका काम होता है लोगों के रिश्ते फिक्स करवाने का, कुंडली मिलाने जैसे तरीके इस्तेमाल करती। दकनियानूसी विचारों को बढ़ावा देने के लिए शो की आलोचना हुई, सीमा टपारिया पर मीम्स बने। वहीं दूसरा पक्ष सुनने को मिला कि इसे NRI भारतीयों के लिए बनाया गया था। ये बात तब भी उठी थी जब शो को एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। अब शो का दूसरा सीजन आ रहा है, इसकी अनाउंसमेंट खुद सीमा ने की थी। एक भाई है, उसकी बहनें हैं 4, उसको किसी भी तरह बस उन चारों की शादी करवानी है। सुनने में ये आइडिया बहुत दकियानुसी लगता है, लेकिन अभी जज करना सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म लिखी है कनिका ढिल्लो और हिमांशु शर्मा ने और डायरेक्ट की है आनंद एल राय ने। ये लोग इतने तो सेंसिबल हैं कि बेटियां पराया धन है वाले नैरेटिव को पहाड़ नहीं चढ़ाएंगे। बाकी अक्षय कुमार ने भाई का रोल किया है। रक्षाबंधन उनकी पिछली कुछ फिल्मों से काफी अलग है, मारधाड़ वाली फिल्मों से इतर एक गुड फैमिली ड्रामा है। 2018 में आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद आमिर की अगली फिल्म 11 अगस्त 2022 को आ रही है लाल सिंह चड्ढा। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। बढ़ते रीमेक्स के कल्चर के बीच फिल्म का ट्रेलर आया, उसकी आलोचना हुई। आमिर के एक्सप्रेशन को पॉइंट आउट किया गया, साथ ही पॉइंट आउट हुए चलती ट्रेन में गोलगप्पे। हमारा कहना यह है कि मेकर्स ने काफी लंबा समय बिताया है फिल्म पर, तो ऐसी गलतियां जानबूझकर की हों ये थोड़ा अजीब लगता है। फिल्म आ जाए फिर तो सब कुछ तय होना ही है।
चिया विक्रम की फिल्म, जहां वो कई सारे लुक्स में दिखेंगे। साथ ही फिल्म में दिखेंगे श्रीनिधि शेट्टी और इरफान पठान भी। इरफान ने फिल्म में एक इंटरपोल एजेंट का रोल निभाया है। केजीएफ फेम श्रीनिधि शेट्टी की ये पहली तमिल फिल्म होगी जिसके लिए उन्होंने केजीएफ से डबल फीस ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, वहीं कोबरा के लिए उनकी फीस पहुंच गई 7 करोड़ रुपए। हल्क की कजन है शी हल्क। उसकी तरह साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक वकील है। हल्क चाहता है कि वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सके। वो अपना ध्यान लगाना चाहती है कोर्ट रूम पर। हल्क के अलावा एक और मेजर कैरेक्टर शो के ट्रेलर में नजर आता है, चार्ली कॉक्स की डेयर डेविल की कॉस्ट्यूम में एक झलक मिलती है। सीरीज की क्रिएटर जेसिका गाओ ने इसे मार्वल की पहली टीवी कॉमेडी बताया है। इस लिहाज से शो की टोन का आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक्शन नहीं होगा। एक पायरेसी वेबसाइट है, मतलब शायद थी, इसके थी और है पर अक्सर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। खैर, इस वेबसाइट का नाम था तमिल रॉकर्स। फिल्म इंडस्ट्री वालों का तगड़ा नुकसान किया इन लोगों ने। रजनीकांत से लेकर तमाम बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों तक को नहीं बख्शा। रिलीज से पहले लीक कर देते, बाद में इन्हें धरा भी गया। अब इनकी कहानी पर तमिल रॉकर्स नाम की एक वेब सीरीज आ रही है। मनमर्जियां के बाद एक बार फिर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप साथ आ रहे हैं एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म दोबारा में। बताया जा रहा है कि ये एक थ्रिलर फिल्म है। शब्द दोबारा से लगता है कि यहाँ टाइम ट्रैवल का कोई पेच हो सकता है, जैसे घटनाएं दोबारा घट रही हों। बाकी ऑफिशियली तो मेकर्स ही बता पाएंगे। दोबारा लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल यानी LIFF की ओपनिंग फिल्म थी। फिल्म फेस्टिवल्स में घूमने के बाद अब फिल्म जनता के लिए खुलेगी, वो भी 19 अगस्त को सिनेमाघरों में। हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी फॉल ऑफ थ्रोन से 200 साल पहले शुरू होती है। इसका फोकस है वेस्टरोस में घटे इन फेमस इवेंट द डांस ऑफ ड्रैगन पर। बेसिकली ये टारगेरियंस के बीच छिड़े सिविल वॉर और इस डायनेस्टी के टूट कर बिखर जाने की कहानी है। ये शो जॉर्ज आर.आर. मार्टिन के 2018 में आए नॉवल फायर एंड ब्लड पर बेस्ड है। ये नॉवल सीरीज उन्होंने टारगेरियन हिस्ट्री को फोकस पॉइंट बनाकर लिखी थी, उसी में फायर एंड ब्लड पहला पार्ट है। विजय देवरकोंडा ने लाइगर में चाय बेचने वाले लड़के का किरदार निभाया। आगे चलकर ये बंदा मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी MMA में इंडिया के लिए टाइटल जीतता है। विजय के कई किरदारों की तरह इसमें भी खूब गुस्सा भरा हुआ है। उसके इसी गुस्से को रिंग तक ले जाने और वहां यूज करने की कहानी है लाइगर। फिल्म में विजय के अलावा अनन्या पांडे, माइक टायसन और राम्या कृष्णन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। लाइगर को लिखा है और डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ। दिल्ली शहर में बुजुर्गों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। DCP वर्तिका चतुर्वेदी के हाथ सुरागों से खाली हैं। अपनी ड्यूटी से जुड़ी तमाम मुश्किलों से जूझती हुई उस सीरियल किलर तक पहुंचना है। शो के पहले सीजन को जबरदस्त क्रिटिकल सक्सेस मिली थी। शो ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी जीता था। शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तेलंग जैसे दमदार एक्टर्स कास्ट का हिस्सा हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूँ मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।